इस साल वैलेंटाइंस डे पर लाखों लोगों ने फैमिली मैन से दोबारा मिलने का टाइम फिक्स कर रखा था, लेकिन फैमिली मैन से पहले ही तांडव हो गया, क्योंकि ये बात पूरे मुंबई में फैल गई है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने फैमिली मैन 2 का प्रसारण रद्द कर दिया है। आखिर में सीरीज के लीड कलाकार मनोज बाजपेयी को खुद इससे निपटने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा है। OTT पर प्रसारित होने वाली मनोरंजन सामग्री को लेकर पिछले 2 महीनों से खूब तांडव मचा है। अली अब्बास जफर की वेब सीरीज के कारण निशाने पर आए प्राइम वीडियो प्रबंधन के लिए सोमवार का दिन बहुत भारी गुजरा। एक अंग्रेजी बिजनेस पोर्टल पर दोपहर में ये खबर चली कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने अपनी पूरी बन चुकी वेब सीरीज फैमिली मैन 2 का प्रसारण रद्द कर दिया है और अनुष्का शर्मा की बनाई प्रशंसित वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन का निर्माण भी रोक दिया है। इसके बाद से पूरे मुंबई में कोहराम मचा है। ये सच है कि OTT की क्रिएटिव टीमें इन दिनों बन रही सीरीज के निर्माताओं को अपनी पटकथाओं से धर्म और राजनीति से जुड़े दृश्य हटाने के लिए कह रही है। सच ये भी है कि तमाम वेब सीरीज के निर्माताओं के मंजूर किए जा चुके शोज पर काम अनिश्चित काल के लिए रोका जा चुका है, लेकिन फैमिली मैन 2 का प्रसारण रद्द किए जाने की खबर को खुद इसके निर्देशकों राज और DK ने बकवास बताया है। वहीं मनोज बाजपेयी का गुस्सा सोशल मीडिया पर अब खुलकर फूटा है। मनोज बाजपेयी आमतौर पर सोशल मीडिया पर शांत ही रहते हैं, लेकिन अपने करियर के सबसे अहम सीरीज के बारे में बिना किसी तरह की पुष्टि किए ऐसी खबर लिखे जाने पर वो शांत नहीं रह सके। उन्होंने न सिर्फ खबर को पूरी तरह असत्य बताया, बल्कि आगे से ऐसा कुछ लिखने से पहले OTT संचालकों और निर्देशकों से बात करने की सलाह भी दी है और खबरों के मुताबिक सीरीज का प्रसारण पहले की योजना के अनुसार ही तय है और जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान होने की बात भी बताई गई है, लेकिन पाताल लोक का मामला जरूर संदेह में दिखता है।